अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? हम अभी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली चार कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क, जिनमें सबसे अव्वल सेंडर है, नंबर दो रिसीवर है, कम्युनिकेशन डिवाइस है और ट्रांसमिशन मीडियम। सेंडर बेसिकली हमारे पास वो डिवाइस, वो आला या वो मशीन कहलाती है जिससे हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज या किसी भी किस्म का डेटा सेंड करते हैं, वो मशीन हमें सेंडर कहलाते हैं। जैसा कि हमारे पास हो सकता है कि किसी नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम सेंडर हो सकता हो, एक लैपटॉप हो सकता है, एक मोबाइल फोन हो सकता है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर तक या दूसरी रिसीविंग डिवाइस तक भेजता है या भेजने में मदद करता है, वो हमारा सेंडर है। दूसरा हमारे पास जो कंपोनेंट है नेटवर्क का, वो रिसीवर है। रिसीवर भी एक डिवाइस का नाम है जो एक कंप्यूटर हो सकता है, एक लैपटॉप हो सकता है या फिर एक मोबाइल फोन, या फिर इसमें हम एक दो चीजें और इजाफा करते हैं कि फैक्स मशीन या प्रिंटर, ये भी हमारे पास रिसीवर हो सकता है। यानी कि जैसे कि एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर हम काम कर रहे हैं और अचानक हमें किसी फाइल को प्रिंट करने की जरूरत पड़ रही है। मैं फर्ज कर लें पीसी नंबर 5 पे बैठा हूं और मेन सर्वर के साथ हमारा प्रिंटर जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, कनेक्ट है, तो मैं जो फाइल भेजूंगा अपने कंप्यूटर से उस सर्वर के ऊपर ताकि वो उसको प्रिंटर के जरिए प्रिंट करे, तो वो प्रिंटर और वो सर्वर इस वक्त दोनों रिसीविंग डिवाइस हो जाए। यानी कि जो वसूल करता है हमारी इंफॉर्मेशन को वो रिसीवर के पास। कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन यानी जो डिवाइस, जो आला हमारे नेटवर्क में हमें इस काबिल करता है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को भेजें, वो आलात, वो डिवाइसेस, वो कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाते हैं। हमारे पास कुछ आलात थ्रू वायर्स कनेक्ट होते हैं और कुछ आलात हमारे बगैर तार के यानी कि वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। तो इनमें हमारे पास एक मोडेम है और एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है एनआईसी। एनआईसी जो है ये हमारा सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है, क्योंकि मोडेम पीसीआई जो पुराने जमाने में आते थे वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते थे, और आजकल जो आपको देखें जो भी आप ब्रॉडबैंड यूज करते हैं वो मोडेम आपके टेबल पे या डेस्कटॉप पर पड़े होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर। ट्रांसमिशन मीडियम यानी मीडियम एक ऐसा जरिया जिसके जरिए हम अपनी मालूमात को मिशर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर। ये ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास डेटा को सेंड करने में भी काम आता है और यही ट्रांसमिशन मीडियम डेटा वसूल करने या रिसीव करने में भी हमारा कारण होता है। ट्रांसमिशन मीडियम में हमने
अक्सर हमें इसको जाते नहीं देखते हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। टेलीफोन वायर सबसे पहले थी और दीगर मेट्रो केबल्स, कुछ आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, वो इससे वाला होती है ट्रांसमिशन लेकिन जबकि वायरलेस जो है उसमें एयर हमारी जो है ये एक हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं। तो हमारे पास जो वायरलेस डिवाइसेस हैं वो अपने सिग्नल्स एयर के जरिए ट्रांसमिट करते हैं और फिर दोबारा वही एयर हमारे सिग्नल्स को हमारी मतलूबा रिसीविंग डिवाइस तक ले जाती है, फिर वहां आगे जो डिवाइस तक को वसूल करके वो इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर में भेज। ये हमारी सेंडर, रिसीवर और कम्युनिकेशन डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडियम ये फोर बेसिक कंपोनेंट्स थे जिन्हें हम नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं। अब क्लाइंट और सर्वर की बात करते हैं, क्लाइंट और सर्वर क्या है? ये बेसिकली दो ऐसे कंप्यूटर हैं जिनका हमारे सिस्टम में एक कंप्यूटर के सुपर होने की निशानी है और दूसरे कंप्यूटर के उसके अंडर होने की निशानी है। यानी कि मैं इस तरह कह रहा हूं कि एक मास्टर होता है और एक स्लेव। इसमें जो हमारे पास सर्वर है इसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं, कंप्यूटर के पास तमाम सर्विसेज इसके पास होती हैं, ये फुली अपनी सर्विसेज हमें फराहम करता है और वो ये इंडिपेंडेंट होता है। ये सबसे हमारे नेटवर्क में पावरफुल कंप्यूटर होता है, जबकि जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है ये स्लेव कंप्यूटर होता है, ये डिपेंड करता है सर्वर पे। जब तक सर्वर इसे परमिशन नहीं देगा ये कुछ भी डेटा न रिसीव कर सकता है ना वहां पे अपना भेज सकता है। तो जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले सुना कि हमारे पास जुग्राफियाई हदूद को देखते हुए नेटवर्क की टाइप्स का तय किया जाता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको आपको कुछ नेटवर्क कमरे के अंदर बिल्डिंग के अंदर बनाए जा सकते हैं, कुछ नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वो एक टाउन की, कुछ नेटवर्क एक सिटी पे मोहित होते हैं और कुछ एक शहर को दूसरे शहर से मिलाते हैं, और कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पे पूरी दुनिया में तमाम कंप्यूटर्स को आपस में। हमारी इस किताब के मुताबिक हमारे पास यहाँ तीन अकसाम बताई गई है। पहली किस्म ये है कि उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर टू है मेट्रोपोलिटन एरिया, यानी कि मैन, थर्ड है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन। अब हम लैन के बारे में बताते हैं कि लैन क्या है। लैन बेसिकली एक बिल्डिंग या उससे मुलहिका बिल्डिंग में बनाया जाता है। इसको एक कमरे में, उससे साथ वाले कमरे में, एक बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग के साथ जो और बिल्डिंग छोटी सी है उस तक हम इसको नेटवर्क बनाते हैं, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, उससे हम लैंड करते हैं। ये ज्यादातर कारोबारी इदारों में
लागू किया जाता है ऐसा नेटवर्क। स्कूल कॉलेजेस के अंदर आपने देखा होगा, घरों में देखा होगा, एक बिल्डिंग के अंदर आपने देखा होगा, वहां पे ये हमें एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है और बाकी कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। इसका पहला एडवांटेज क्या है कि ये हमें फाइल और डेटा शेयरिंग करने में मदद देता है। फिजिकल रिसोर्सेस यानी कि कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, इनको शेयर करने में हमें फैसिलिटेट करता है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स, इनको शेयर करने के लिए हम इस इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए और सिस्टम नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए नैम का इस्तेमाल करते हैं। इसको तमाम इसके रिसोर्सेस को इंप्लीमेंट कराना बहुत ही आसान है। हम इसको रिमोट शेयरिंग और एक्सेस की इसके जरिए देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसकी सिक्योरिटी को भी हम मैनेज बाखूबी कर सकते हैं और इसमें डेटा कम्युनिकेशन तेज है पर इसकी करके और ट्रांसमिशन भी तेज है इसकी। इस नेटवर्क में हम नया कंप्यूटर अगर कभी ऐड करना चाहें तो वो भी आसानी से इस नेटवर्क के अंदर ऐड किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इस नेटवर्क के कि अगर सर्वर जो है जो कि एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा इस नेटवर्क का, वो डाउन है किसी वजह से या वो काम नहीं कर रहा किसी वजह से, तो तमाम जितने भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के वो सारे के सारे इफेक्टेड होंगे और वो भी डाउन, वो भी वर्क नहीं कर रहे। लैन को मेंटेन रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी कि हम इसकी मेंटेनेंस का बखूबी ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं एक और टाइप मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क की, जो कि एक टाउन या एक सिटी में मोहित होता है। ये एक से ज़ायद लैंस को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि जैसे कि हमारे शहर में एक केबल नेटवर्क है, ये हमारे लिए मैन की एक बेहतरीन एग्जाम्पल। एक शहर के तमाम घरों में एक कंपनी का जो भी नेटवर्क है, यानी कि जितने भी चैनल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर केबल वालों ने एक चैनल पे सीढ़ी लगाई है, तो वो सीढ़ी उस शहर में अगर एक मिलियन आबादी है तो एक मिलियन लोग वही सीढ़ी अपने घर में बैठ के अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं। जो कुछ केवल हेड ऑफिस में हो रहा होता है, जो चैनल वो चला रहे होते हैं, वही चैनल्स हम अपने घरों में देख रहे हैं। जो नशरियात उनके पास पहुंच रही होती है वो आगे हम तक पहुंचा रहे हैं। तो केबल टीवी नेटवर्क एक बेस्ट एग्जाम्पल है मैन की। अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जुग्राफियाई हदूद को मद्देनजर रखते हुए हम कंप्यूटर के नेटवर्क्स को मुरतब कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क नाम से ही जाहिर है, ये एक वसी पैमाने पे फैला हुआ कंप्यूटर का जाल होता है जो पूरी दुनिया में
इसमें एक कमरा, एक बिल्डिंग, एक टाउन, एक शहर, एक प्रोविंस या एक कंट्री नहीं, पूरी दुनिया के कंट्री के कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। हम इसको, इस ट्रांसमिशन को नॉर्मली टेलीफोन लाइंस के थ्रू, सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू, या जो भी हमारे पास वहां पे सिस्टम मौजूद होता है, जो भी ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास अवेलेबल होता है, उससे थ्रू कनेक्ट होते हैं। यानी कि इसकी बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट। इंटरनेट जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क। आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान की PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इनका जो निजाम है ये भी एक वैन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि वैन नेटवर्क जो है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, उसकी एक एग्जांपल। क्या दुनिया के किसी कोने में बैठ के PIA के किसी भी जहाज की, किसी भी फ्लाइट के हवाले से आप रिजर्वेशंस, बुकिंग्स करा सकते हैं, इवन के परचेज भी कर सकते हैं। हम वैन के जरिए पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के तालीमी इदारों को भी उनके साथ मुंसलिक किया जा सकता है। इसकी मजे की बात यह है कि इसके एडवांटेजेस भी ये है कि 24 घंटे आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। आप इसमें कम्युनिकेशन जो है बड़े सस्ते दामों प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसने कारोबारी सेक्टर में, ट्रेवलिंग, स्टेशनरी, ऑफिस कीपिंग में उनकी जो कॉस्ट है उसमें भी कमी पेशी की है। डिसएडवांटेजेस में वैन के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इसको सिस्टम को मेंटेन रखना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। इस वजह से कि ये एक बैन-अल-अक़वामी नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है, तो उस एतबार से इसकी मेंटेनेंस को और इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना ये एक डिफिकल्ट टास्क है, जिसके लिए हमें फुल टाइम जॉब करनी पड़ती है। साथ इस सिस्टम को वॉच आउट करने के लिए हमें 24 घंटे एक बंदा वहां पे तैनात करना पड़ता है, जो नेटवर्क की मेंटेनेंस को और दीगर चीजों को जो भी तकनीकी एतबार से हमें जरूरत पड़ती है उनको देख सके। हमें वायरसेस से, हैकर्स से या दीगर ऐसे खतरनाक मसाइल से निपटने के लिए हमें काफी अखराजात को करना पड़ते हैं, हमें अखराजात का सामना होता है।